अम्मा गुल को हमेशा रचना पे फोकियत देती है, ऐसा करके ना वो बच्चों के दिलों में फर्क डाल देगी, अब देखिए। तो क्या गलत कहा अम्मा ने? क्यों क्यों गलत नहीं कहा, क्या ऐसी बातें बच्चों के सामने करने की होती है? तो अम्मा ने बच्चों के सामने तो ये बात नहीं की, हमारे सामने की है। आपको क्या पता? देखो फैजा, अम्मा ने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने कभी रुशना को किचन में काम करते हुए नहीं देखा, सफाई सुथराई करते हुए नहीं देखा घर की, ना कोई अम्मा का काम करते हुए देखा। कुल तो सब करती है। देखो फैजा, अम्मा की मुखालफत छोड़ो और अपनी बेटी को कुछ सिखाओ काम वाम, कल को शादी होनी है उसकी, वहां जाके भी काम करना है ना। सारे काम सिखाए हैं मैंने उसे, अपने ससुराल जाकर वो सब कुछ संभाल लेगी, आप देख लें। अरे वाह, फिर उसको बोलो कि घर में भी कुछ काम कर लिया अम्मा के सामने दो चार दिन। कह दूंगी, कर लेगी। वैसे आप किस तरह के बाप हैं? लोग अपनी इकलौती औलाद के लाड उठाते हैं, नखरे उठाते हैं, और एक आप है तनकीद करते रहते हैं हर वक्त। देखो फैसा, मैंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश हर फरमाइश पूरी की है, अच्छी जिंदगी दी, अच्छी तालीम दी है, मैं चाहता हूं उसकी अच्छी तरबियत भी हो, दुनिया में आखिरत में, वरना मैं ही जवाबदेह हूं। और बात सुनो कान खोलकर, ये टॉपिक आइंदा मत छेड़ना, ठीक है? रुशना की तो आजकल शामत आई है, दादी उस पर कड़ी नजर रख रही हैं। हाँ दादी, ये देखना चाहती होंगी कि शादी के बाद वो जिम्मेदारियां संभाल लेगी या नहीं। जिम्मेदारियां क्या हैं वैसे, सच्ची बात है तो यहीं रहने, उसने कहीं और थोड़ी चले जाना, इसीलिए शायद रिलैक्स्ड है। हाँ, पर हो सकता है कि दादी घर के कामों की जिम्मेदारियों के हवाले से ना देख रही हूँ, हो सकता है उसके कूड़ेपन को खत्म करना चाहती। असद क्या हो गया आपको, आप तो जानते हैं नौफल और रुशना को, उनका मिजाज शुरू से चुलबुला है, दोनों एक जैसे ही हैं, कर लेंगे एक दूसरे को बर्दाश्त। हाँ ये बात तो ठीक है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, और एक ही जितना लड़ते हैं, जितना वो लड़ती है उतना ही वो लड़ते हैं। अरे वो तो प्यार भरी लड़ाई है, पहले लड़ते हैं और फिर सही हो जाते हैं। तो ये प्यार भरी लड़ाइयां हमारे दरमियान क्यों नहीं होती? ये लड़ाइयां ना शादी के कुछ दिनों तक अच्छी लगती या फिर शादी से पहले, बाद में ये लड़ाइयां जो है ना सीरियस रुख ले लेती हैं। अल्लाह ना करे कभी हमारे दरमियान लड़ाइयां हो, मैं तो प्यार वाली क्यूट वाली लड़ाइयों की बात कर रहा था, कभी तुम रूठो कभी मैं तुम्हें मनाऊं, कभी मैं रूठ जाऊं तुम मनाओ। जनाब आप ही अभी तक रूठते हैं, मैं ही आपको हमेशा मनाती हूं। अच्छा ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम रूठना मैं मना। अब जाएं। ओके, खुदा हाफिज़।